सावन के पहले सोमवार को मंदिर शिवालय पर कोरोना के कहर के बाद भक्तों की भीड़ देखने को मिली। खबर सुल्तानपुर से है, जहां दिनांक 6 जुलाई 2020 को कोरोना का कहर देखने को मिला। हालांकि सरकार के द्वारा तो आदेश जारी कर दिया गया है, परंतु कुछ शर्तों के साथ उसका मिला जुला असर देखने सुनने को मिला। लेकिन भगवान भोलेनाथ की आराधना और पूजा अर्चना कुछ इस तरह से देखने में मिली। बताते चलें कि आज सावन का पहला सोमवार है और शास्त्रों के अनुसार सावन के पहले सोमवार की अपनी एक अलग मान्यता है। भक्त इस दिन से पूरे सावन पर भगवान शिव और शक्ति को जल अर्पित करते हैं और रुद्राभिषेक करते हैं। मंदिरों शिवालयों पर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। भगवान शिव और शक्ति को जल अर्पित करने की व उनकी आराधना करने की, क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना के कहर को देखते हुए सरकार के जारी गाइडलाइन के अनुसार पूजा अर्चना की व्यवस्था की गई है। मंदिरों शिवालय पर पुलिस की व्यवस्था की गई है। भक्त शिव भक्ति लीन मंदिरों में जल चढ़ाने व पूजा अर्चना के लिए कतार लगाए खड़े हैं, तो कुछ भक्त गंगा गोमती से जल लेकर शिव को अर्पित करने के लिए मंदिरों शिवालय की तरफ निकल पड़े हैं और अच्छी खासी भीड़ मंदिरों पर देखने को मिल रही है। तो वहीं पुलिस ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद दिखी। थर्मल स्कैनिंग के साथ सबकी स्कैनिंग करके मंदिरों में प्रवेश कराया जा रहा है। लेकिन भक्त को कोरोना के कहर का कोई भय नहीं, क्योंकि भक्त तो अपनी शिव भक्ति में लीन है। क्या पुरुष महिलाएं या बूढ़े बच्चे, सभी सिर्फ बम बम भोले की गूंज से जिले को सरोबार किए हुए हैं। आज मंदिर में दर्शन कराया जा रहा है, सावन का पहला दिन, इसके बारे में करेंगे। क्या नाम है आपका? आज सावन का पहला सोमवार है, लोग महिलाएं व्रत भी रखी हैं, इसके बारे में क्या कहेंगी आप? आज पहला सोमवार है और मतलब महिलाएं व्रत रखती हैं, उनका फैमिली अच्छा रहे, पति अच्छा रहे, पति तरक्की करे, और कुंवारी लड़कियां इसलिए रखती हैं उनको अच्छा वर मिले पति, बस और कुछ नहीं कहना। इसमें किसकी पूजा की जाती है? भोलेनाथ की। क्यों? इसलिए कि वो मतलब मांगा हुआ वरदान सब अच्छा मिलता है, ये मैंने देखा भी है। जो सच्चे दिल से पूजा करता है भोलेनाथ का, सावन का सोमवार रखता है, उसको अच्छा पति मिलता है। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम अंकित श्रीवास्तव, अध्यक्ष कल्पी सेवा समिति। आज सावन का पहला सोमवार है, कोरोना महामारी भी चल रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए आज सावन के प्रथम सोमवार को यहाँ पर मास्क गमछे का प्रयोग करके सभी भक्तों से निवेदन किया जा रहा है, सैनिटाइजर का प्रयोग कराया जा रहा है। जैसा कि आप सभी धाम पर देख ही रहे हैं, जो पिछले साल सावन के सोमवार को भीड़ होती थी, उसका एक चौथाई भी भीड़ इस बार नहीं हो पा रही है। इस कोरोना वैश्विक महामारी से बचने के लिए हम सभी ने यहाँ मास्क और गमछे के लिए निवेदन कर रहे हैं दूसरे भक्तों से। जैसा कि सावन का प्रथम सोमवार, आप सभी को भी अवगत होगा कि भगवान भोलेनाथ पूर्ण रूप में हम सभी को दर्शन देते हैं। ये प्रेम भक्ति मंदिर देववृक्ष पारिजात कलवृक्ष पर भी आप जैसा कि देख ही रहे हैं का पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और बीमारी से हमको सबको दूर रहना है, इसलिए मंदिर में भीड़ कम है। नहीं तो यहाँ पे हजारों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं और जल चढ़ी का कार्यक्रम होता है। हर साल सावन में जो है कांवर यात्रा भी निकलती है, इस बार नहीं निकल पा रही, इस बार नहीं जा पा रहे लोग, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में यही कहना है कि हमें इस बीमारी को देखते हुए इस नियम का पालन करना है, इसलिए कांवर यात्रा नहीं निकल पा रही। योगी जी का पालन करना। सुनील सोनी, इस बार जो है सावन का महीना भी शुरू हो गया है, मंदिर भी भीड़ में नहीं दिखाई दे रही, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब कोरोना काल की वजह से भीड़ नहीं चल रहा है, बीमारी है, भीड़ नहीं है, लोग आ रहे हैं लेकिन सामाजिक दूरी बना के और पूजा करके जा रहे हैं। किस नाम से मंदिर जाना जाता है? ये बाबा सिद्धेश्वर नाथ रामलीला मैदान। आने वाले समय में कई त्यौहार यहाँ पे मनाए जाते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब जब तक कोरोना काल रहेगा तब तक ऐसे ही चलेगा, हल्का फुल्का जो है आदमी आ रहा है, सामाजिक दूरी बना के चल रहा है।